खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। जनपद पंचायत करकेली स्थित उपार्जन केंद्र में किसान अच्छा खासे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करकेली केंद्र में 180 किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ, जो दिसंबर से धान खरीदी आदेश शासन द्वारा किया गया, लेकिन ऑनलाइन में करकेली तहसील सोना होने के कारण नहीं खरीदा गया। 8 दिसंबर से प्रारंभ हुआ, जो बीच में 2 दिन पानी गिरने की वजह से धान किसानों की रुकी हुई, लेकिन अभी तक में 70 किसान धान लाकर उपार्जन केंद्रों में दिया गया। लगभग 2834 क्विंटल धान उमरिया की ओर, वहीं पर अभी 1600 क्विंटल धान में 1100 क्विंटल धान बाहर खुले आसमान में रखा हुआ है। किसानों को चिंता सताई जा रही है कि मौसम खराब होने की वजह से धान को नहीं बचाया जा सकता। क्या समस्या हो रही है खरीदी केंद्र में? खरीदी केंद्र में समस्या ये हो रही है कि यहाँ एक तो 20 तारीख तक डेट है खरीदी का, बीच में बरसात हो गई और 3-4 दिन खरीदी बंद रही, और डेट जो है अब नज़दीक आ चुका है ख़त्म होने के। पहली बात तो डेट बढ़ाया जाए, और माल जो है पूरा आप देख ही रहे हैं यहाँ पड़ा हुआ है खुले में, जिससे खरीदी में दिक्कत आ रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए डेट भी बढ़ाया जाए और ये माल जो है उठाव कराया जाए, क्योंकि माल यहाँ से उठे तो किसान अपना जो ये अनाज है बेच सके यहाँ। मौसम खराब होने के कारण खरीदी बंद रही 2 दिन, और उठाव कार्य परिवहनकर्ता द्वारा बड़ी धीमी गति से किया जा रहा है। 3-3, 4-4 दिन गाड़ियाँ लगातार नहीं आती हैं, जबकि शासन का नियम है कि रेडी टू ट्रांसपोर्ट करने के 72 घंटे के अंदर ही पूरा उठाव करना चाहिए। इसके बाद भी 1648 क्विंटल अभी माल यहाँ बाहर पड़ा हुआ है, जिसका परिवहन समय पर नहीं हो रहा है, जिससे किसानों का समय पर धान नहीं ली जा रही। तो अभी तक 2834 क्विंटल खरीदी की जा चुकी है 72 किसान। उमरिया से नीरज सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।